दोस्तों, जहां पर इंग्लैंड में डेपोटेशन पॉलिसी पर नए एक्शन लिए जा रहे हैं, यानी कि जो ओपोजिशन पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की पॉलिसीज इस कंजर्वेटिव पार्टी के जानिब से पिछले 3 सालों में अपनाई गई, इससे इमिग्रेंट्स बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। यानी कि ऐसे एक्शन लिए गए वो इमिग्रेंट जो साल साल से और अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, उनके बेनिफिट्स और उनकी रिहाइशगों और इसके साथ साथ उनके लीगल स्टेटस को लेकर किसी किस्म का कोई वर्क नहीं किया गया। यहाँ पर ऐसी इमिग्रेशन सख्त पॉलिसियाँ अपनाई गई जहाँ पर वो इमिग्रेंट जो रिसेंटली आए या जिनको 5-6 साल का अरसा हुआ, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त इशू खड़े हुए। और अब हालिया दिनों में जैसा कि रवेंडा जैसी पॉलिसी पास हुई, जिसके बाद होम ऑफिस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा छापे मारे गए और बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को हिरासत में लिया गया और अभी भी हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि इस ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जब एक्शन लिया गया तो बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को अभी भी छापे मारे जा रहे हैं, राह चलते छापे मारे जा रहे हैं, घरों में छापे मारे जा रहे हैं और वहाँ से बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को हिरासत में लिया जा रहा है और उनको कैंप्स वगैरह में रखा जा रहा है और उनको डिपोर्ट करने के हवाले से धमकियाँ दी जा रही हैं। अभी हालिया दिनों में ही एक आईलैंड से बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को रवेंडा मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इस गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जाता है कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो इसको पास करेगी, लेकिन वहाँ पर खुफिया तौर पर बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को हिरासत में लिया जा रहा है और छापे मारे जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल यूके के अंदर से तो छापे ही मारे जा रहे हैं यूके के अंदर से, जो कि इमिग्रेंट्स को रवेंडा मुंतकिल नहीं किया गया, लेकिन एक आईलैंड है वहाँ से बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को रवेंडा में मुंतकिल किया गया है। रवेंडा में बड़ी तादाद में जो कि इन्होंने फंडिंग वगैरह की, लेकिन अगर कोई नई हुकूमत आती है तो ये इनका प्लान और जो इनकी फंडिंग और ये पैसे हैं ये बुरी तरह मुतासिर होंगे, यानी कि किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी हुकूमत आएगी वो एक बार इस लॉ पर इंप्लीमेंट करने के बारे में 100 बार सोचेगी। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी अपडेट आई है जो कि शेयर करना ज़रूरी था।